हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एनालिसिस करके बताया था डाउ जोन्स, नैसडैक, और मैंने आपको बोला भी था कि आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल सकता है। अगर आपको याद है, मैंने डाउ वीकेंड फ्यूचर भी दिखाया था जो कि सैटरडे संडे ट्रेड होता है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है लास्ट वीडियो, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आज मैंने क्लियरली बोला था लास्ट वीडियो में कि गैप डाउन ओपनिंग होगा और फॉलो थ्रू सेलिंग भी देखने को मिलेगा। ये भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में पहले बता दिया था। 9720 के आसपास जब निफ्टी था, तो मैंने टेलीग्राम चैनल में बोला भी था कि अब ये यू टर्न लेने वाला है, क्योंकि इसने प्रीवियस डे लो तोड़ा नहीं है और सेटअप काफी अच्छा है यू टर्न के लिए। और एग्जैक्टली वहां से ही हमें 150 पॉइंट का रैली भी हमें निफ्टी में देखने को मिला। ये था एनालिसिस लास्ट वीडियो का। अब स्टार्ट करते हैं कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर आप देखिए, आज एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली है। 9673 का लो बनाया और फ्राइडे का लो अभी भी टूटा नहीं है, तो 9600 9650 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी भी ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन के एकदम टच इसने क्लोज दिया है। अब हायर पॉसिबिलिटी है कि या तो ये गैप अप हो सकता है या थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ खुल सकता है, क्योंकि आज भी अगर आप देखो तो सेलर एग्रेसिव थे फर्स्ट हाफ में, लेकिन वापस बायर्स ने पूरा मोमेंटम कवर कर लिया है। तो मुझे लगता है निफ्टी में कल थोड़ा आपको बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। 9750 9780 के आसपास अगर खुद भी डिप मिल जाए तो काफी अच्छा बाय रहेगा फॉर अ टारगेट ऑफ 9900 9950 के टारगेट के लिए। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखें, थोड़ा सा वीक लग रहा है बैंक निफ्टी, क्योंकि अभी भी 20,000 के ऊपर क्लोज नहीं दिया है। बट स्टिल निफ्टी अगर पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सो बैंक निफ्टी बाय रहेगा 20,000 के ऊपर अगर ये जाता है और सस्टेन करता है, तो काफी अच्छा बाय रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा क्रूशियल लेवल के आसपास है, बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। वेनेसडे थर्सडे को इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है, सो हो सकता है एक बड़ा मूव हमें देखने को मिले बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो तो आप थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, क्योंकि वोलेटिलिटी बैंक निफ्टी में हमें ज्यादा देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में 3 स्टॉक्स बताए थे। इंडसइंड बैंक उसमें से बाय ट्रिगर नहीं हुआ है, क्योंकि 548 के ऊपर बाय दिया था। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी ट्रिगर नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें इसका स्टार्टिंग का जो ओपन आई का कैंडल होता है 915 का, उसी में इसने 1174 का हाई बनाया है। तो जो मैंने आपको बाय ट्रिगर दिया था वो लेवल ट्रिगर ही नहीं हुआ, पूरा दिन में वो लेवल ट्रिगर ही नहीं हुआ। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी कोई ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ। एक ट्रेड ट्रिगर हुआ लास्ट वीडियो में से, जो कि माइंडट्री मैंने आपको बाय दिया था 925 के ऊपर, ये 931 तक जाके आया, तो इसमें एक स्मॉल प्रॉफिट हुआ। तो ये था एनालिसिस लास्ट वीडियो के स्टॉक्स के रिलेटेड। अब स्टार्ट करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला स्टॉक होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आप देखें, ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के अराउंड क्लोज हुआ है, 1600 के ऊपर क्लोज हुआ है, जो कि राउंड ऑफ नंबर है। मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में यहाँ से एक बड़ा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। 1700-1750 ये टारगेट्स पॉसिबल आते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। इंट्राडे टारगेट्स नहीं है, ये पोजिशनल टारगेट्स हैं। सो कल के सेशन में भी हमें थोड़ा पॉजिटिव अपमूव हमें देखने को मिल सकता है, तो रिलायंस काफी अच्छा बाय रहेगा कल के सेशन के लिए। कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में मैं आपको बता दूंगा कि कौन से लेवल पे ये बाय ट्रेड इनिशिएट करना है। नेक्स्ट स्टॉक है ONGC। ONGC अगर आप देखें, सेटअप इसका काफी अच्छा लग रहा है, एंड अगर आप देखो तो ये मॉर्निंग स्टार सेटअप है, ये मॉर्निंग स्टार सेटअप है जो कि बुलिश सेटअप है। और यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये बार बार ये ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट भी ले रहा है, तो ये काफी अच्छा बाय हो सकता है ONGC। कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक HL टेक्नोलॉजी है। HL टेक्नोलॉजी अगर आप देखो तो ये ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज में, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। तो ये आप मार्केट वॉच में ऐड करके रखो, कौन से लेवल पे ट्रेड करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। बट मुझे लगता है जिस तरीके का सेटअप है, मोस्ट लाइकली ये ऑन द हायर साइड ब्रेकआउट दे सकता है ऊपर की तरफ। एंड लास्ट स्टॉक होगा जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड अगर आप देखें, 1700 के नीचे राउंड ऑफ नंबर के नीचे क्लोजिंग दिया है और इसने ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया था। एंड अगर आप देखो तो ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को ये क्रॉस नहीं कर पाया है, वहीं से सप्लाई देखने को मिली है, थोड़ा सा ये नेगेटिव सेटअप हुआ। तो मुझे लगता है जुबिलेंट फूड में यहाँ से इंट्राडे के हिसाब से 10-15 रुपए का फॉल में देखने को मिल सकता है, जो कि इनफ होता है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। तो जुबिलेंट फूड काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा कल के सेशन के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, एनालिसिस अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। आज के लिए वीडियो में इतना है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।